फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टी ब्रांड कार सर्विस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है मर्सिडीज ई क्लास का ऑक्सिलरी बैटरी मेलफंक्शन का वार्निंग है गाड़ी का। ये देखिए ऑक्सिलरी बैटरी मेलफंक्शन का वार्निंग है, इसका कैसे इसको हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो इसका ऑक्सिलरी बैटरी मेलफंक्शन कोड आएगा तो मतलब इसका ऑक्सिलरी बैटरी जो है वो चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये देखिए ऑलरेडी नया बैटरी पकड़ा है, देखिए मर्सिडीज का ये होता है ऑक्सिलरी बैटरी, ठीक है। अब इसका ऑक्सिलरी बैटरी चेंज करने के लिए तो इसका जो लोकेशन है वो ड्राइवर सीट का ये कवर के अंदर है, इसका बैटरी का लोकेशन। ये कवर आपको खोलना होगा, कवर खोलने के बाद ये देख सकते हैं इसके अंदर है इसका ये दसवां बोल्ट खोलना होगा। तो देखिए मैं एक एक करके खोल रहा हूँ। ये देखिए इसका जो नीचे है ये वाला कवर खोलना होगा, ये वाला कवर खोलने के लिए आपको तीन स्क्रू खोलना होगा, एक इधर है, ठीक है, एक इधर है, एक इधर है, ठीक है। ये तीन को खोलेंगे, तीन बोल्ट है और 25 का फ्लावर बॉक्स का बोल्ट है तीन, ठीक है। तो ये देखिए अब तीन बोल्ट ओपन हो गया, इसको आपको सिंपल ऐसे नीचे खींचने से ये नीचे आ जाएगा, बस ऐसा पोजीशन में रखना है। रखने के बाद ये जो बोल्ट है 10 नंबर का ये 10 नंबर वाला बोल्ट खोलना है, पकड़ के रखना है ऑपोजिट साइड में। बाद में ये देखिए मेरा बैटरी जो है वो नीचे से आ गया, देखिए इसका क्लाम ऊपर है, वो क्लाम खोलना चाहिए, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसके अंदर ये जो क्लाम है ये क्लाम के अंदर रहता है और ये क्लाम में एक फ्यूज भी रहता है, नीचे आप देख सकते हैं ये वाला फ्यूज है, ठीक है। बैटरी डालने का टाइम है, इसके अंदर बैटरी डाल के आपको बैटरी ये क्लाम फिट करना होगा ऊपर, और डालने का टाइम में एक चीज़ का वो फॉलो करना होगा, ये जो रेड वाला ये पॉजिटिव है, ये ब्लैक वाला नेगेटिव है, इधर सिम्बॉल भी दिया हुआ है और इसका जो टर्मिनल भी है और रेड पॉजिटिव में डालना है। ये देखिए रेड वाला पॉजिटिव में, ब्लैक वाला नेगेटिव में डाल के आपको फिट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड मेरा पुराना बैटरी जो है वो मैं बाहर कर दिया, अभी नया बैटरी डालेगा। ये देखिए मेरा नया बैटरी है, इसका जो बैटरी का एम्पियर होता है वो 12 वोल्ट 7 वोल्ट का डालना होगा, और डालने के लिए देखिए इसका जो क्लाम है ये क्लाम में डालना होगा, देखो बस इसको ऐसे ऐसा पोजिशन में रख के इसको बस इसके अंदर पुश कर देना है। बाद में ऊपर फिट करने के बाद ये दो टर्मिनल का वायर डालना है, रेड में पॉजिटिव ब्लैक में नेगेटिव। तो ये देखिए इधर से निकल जाएगा, ये देखिए रेड वाला जो है मैं इसका पॉजिटिव में डाला और ब्लैक वाला जो है मैं इसका नेगेटिव में डाला, ठीक है। डालने के बाद इसका जो लोकेशन है इधर 10 नंबर बोल्ट वाला क्लाम वाला सेम पोजीशन में लेके आने के बाद ये 10 नंबर बोल्ट डाला, ठीक है। अब ये बोल्ट टाइट कर देना है, बस ऑक्सिलरी बैटरी फिटिंग हो गया। अभी आपको कवर फिट कर देना है, ठीक है। तो कवर फिट करने के लिए बस थोड़ा नीचे किया था मैं इसको, बस इधर थोड़ा सा इसे ऊपर कर देगा तो ये देखिए इसका कवर जो है फिट हो गया। बस 325 का फ्लावर बीट के एलिंग की टाइट देना है, ठीक है।
प्लास्टिक कवर है, नॉर्मल टाइप देना है आपको, इसके अंदर नॉर्मल हैंड टाइट है बस। अच्छा मैं 3 वोल्ट टाइट हो गया। अभी सिंपल इसका जो कवर है, ये जो पहले कवर ओपन किया था साइड का, इसका सेम फिट कर देना है। ये इसके अंदर जाएगा, इसे थोड़ा रबर ओपन करके देखिए हो गया। अब में रबर फिट कर देना है। मेरा ऑक्सली बैटरी चेंज हो गया। अभी देखते हैं स्टार्ट करके इसका जो प्रॉब्लम था वो गया कि नहीं गया। ठीक है, अभी देखिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। देखिए इसका वार्निंग नहीं आ रहा है। फिर आप इधर से इसका मैसेज चेक कर सकते हैं, ऐसे ट्रिप नहीं, मैसेज में सर्विस में जाके, ये देखिए सर्विस में जाएंगे तो आप देखिए इधर है 0 मैसेज। ठीक है, तो इसका जो ऑक्सिलरी बैटरी मेलफंक्शन का प्रॉब्लम था, तो इसका ऑक्सिलरी बैटरी चेंज करने के बाद, ये पुराना वाला ऑक्सिलरी बैटरी चेंज करने के बाद इसका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया। तो आपका मर्सिडीज़ E300 का अगर ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप ऐसे भी मेरा वीडियो देख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए तो बस इतना ही है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया तो मेरा चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर देना। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू।